हाई एवरी वन वेलकम टू दी सोशोलॉजी क्लास सो आज हम सोल्व करने वाले हैं सोशल वर्क का पेपर यस यू हर्ड मी राइट वी आर नॉट सॉल्विंग सोशलॉजी पेपर टूडे वी आर सॉल्विंग सोशल वर्क सी यू ई टी पी जी ट्वेंटी ट्वेंटी टू पेपर दैट इज बिकॉज मैनी ऑफ यू रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन सोशल वर्क जो लोग सोशोलॉजी का पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं उनमें से कई लोगों ने सोशल वर्क में भी अप्लाई किया था एंड दैट इज द रीजन आई एम सोल्विंग द पेपर ओके okay, मैं एक बात बता दूँ सोशल वर्क और सोशोलॉजी काफ़ी ओवरलैप करता है एक दूसरे से जो भी चीज़ें हम लोग एज अ जी पढ़ते हैं सोशोलॉजी में वो एक्चुअल में सोशल वर्क में एज अ मेन सिलेबस होती हैं और जो भी सोसाइटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं सोशोलॉजी में वो भी सोशल वर्क में एज अ मेन टॉपिक्स होते हैं तो काफ़ी कुछ है दोनों ही सब्जेक्ट्स uh, में जो ओवरलैप होता है दैट इज द रीज़न कि मुझे लगा कि मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ पेपर को और उसके साथ साथ मैं कुछ और भी वीडियोज़ लेके आऊंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन सोशल वर्क का एक अलग से डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है बट ये जो टेलीग्राम का चैनल है इसे जरूर ज्वाइन करना क्योंकि जो भी मेन न्यूज uh, होती है मेन अपडेट्स होते हैं वो इसी टेलीग्राम के थ्रू आपको मिलेंगे सो so स्टार्ट करते हैं और ट्वेंटी ट्वेंटी टू का पेपर सॉल्व करते हैं इसके बाद हम लोग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पेपर भी जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी इनमें से कौन सा है जो कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है नाउ दिस टॉपिक इज डायरेक्टली फ्रॉम योर सोशोलॉजी सिलेबस हम लोग सोशोलॉजी में ये टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं और देखो सोशल वर्क में भी वही चीज़ है ठीक है वी फीलिंग एमंग द मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी द सिमिलैरिटी इन कल्चर एंड ट्रेडिशन्स ऑफ द मेंबर ऑफ कम्युनिटी देर इज अ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी एमंग मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी हिंदी में भी आप इसको देख सकते हो सारे ही क्वेश्चन आज हिंदी में भी है द करेक्ट आंसर इज फोर दैट इज कम्युनिटी इज अ स्टैटिक यूनियन ऑफ पीपल तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कम्युनिटी की बाकी सारे जो तीनों दिए हैं वो एकदम सही हैं क्वेश्चन नंबर टू मेन डिटर्मिनेट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पर्सन इनमें से कौन से हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक पर्सन की हेल्थ स्टेटस को एजुकेशन फिजिकल एजुकेशनमेंट इनकम एंड सोशल स्टेटस ऑल ऑफ हिंदी में यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ सो ये सारे ही हैं जो हेल्थ स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं एक पर्सन की क्वेश्चन नंबर थ्री द ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर एंड रिपीटेशन आर कॉल्ड वॉट कस्टम वैल्यू कल्चर या फिर नॉर्म्स ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर एंड देयर रिपीटेशन वॉट वुड बी द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज वन दैट इज कस्टम हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन रिटर्न बाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर annihilation of caste federation versus freedom glimpses of world history yafir thoughts on pakistan you can see the question in hindi as well the correct answer is three that is glimpses of world history so this book is written by jawaharlal nehru okay question number five what does the goal three of sustainable development goal aim at गोल थ्री जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो कौन सा है इंश्योरिंग हेल्दी लाइव एंड प्रमोटिंग वेल बींग एट ऑल एजेस अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग गर्ल्स एंड वुमेन कंजर्विंग एंड सस्टेनिंग द यूज ऑफ ओशियन सीज एंड मरीन रिसोर्सेज प्रमोटिंग सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ द करेक्ट आंसर इज वन दैट इज इंश्योरिंग हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोटिंग वेल बींग एट ऑल एजेस बाकी सारे के भी नंबर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अचीविंग जेंडर इक्वालिटी की बात जो SDG करता है वो है फाइव ठीक है बाकी सारे भी आपको पढ़ने हैं कंजर्विंग एंड सस्टेनिंग यूज ऑफ की बात करता है एंड प्रमोटिंग सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है एस डी एट ठीक है तो बाकी सारे जो टोटल सिक्सटीन हैं वो आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये

रैशनल थेरेपी एल्बर्ट एलिस एंड ट्रांजेक्शनल इज एरिक बर्न ठीक है सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज एंड अगर ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो एक बार थोड़ा सा गूगल करके इसके बारे में रीड कर लेना क्वेश्चन नंबर सेवन अंडर विच ऑफ़ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ ग्रुप इज कॉन्स्टिट्यूटेड नेम्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉर्टेशन अ वेरी ईजी क्वेश्चन आर्टिकल फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू या फिर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये स्कूल लेवल क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज डी दैट इज आर्टिकल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सनस विद डिसबिलिटीज पी डब्ल्यू डी दिव्यांग इंडियन मिशन रीच इंडिया मिशन सुगमय भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान The correct answer is C, that is Sugmaya Bharat Abhiyan. Question number 9 Activities which may be included by companies in their corporate social responsibi responsibility policies are mentioned in what? Schedule 5th, 6th, 7th, Yafir 8th. The correct answer is 3, that is Schedule 7. Please remember. Question number 10 International Renewable Energy. Agency was formed in 2008, 2009, 2010, 2011. Very factual question. The correct answer is 2, that is 2009. Question number 11. The organized non profit activities for public welfare outside of both private and public sector is called what? Corporate sector, civil society sector, government sector, yafir private sector.

इज़ एसोसिएटेड विथ योर दलित पैंथर मूवमेंट ना जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ट्वेंटी एथ को जो पेपर है उसमें क्या करना है उनके लिए यहाँ से है कि आप टॉपिक निकाल लीजिए अब दलित पैंथर मूवमेंट पढ़ लीजिए उससे रिलेटेड और भी बातें हैं तो वो भी पढ़ लीजिए ठीक है यहाँ से आपको सीधे सीधे टॉपिक्स निकालने हैं कि आपको क्या पढ़ के जाना है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन एमंग प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन एडवांटेज

क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर इज करेक्ट देखो कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सोशल वर्क में साइकोलॉजी से लिए गए हैं और बहुत ही बेसिक से हैं कोई बहुत हार्ड लेवल की साइकोलॉजी नहीं आती है अगर आप सिंपल एनसीआरटी के नोट्स भी पढ़ के जाएंगे तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं कहाँ से वो नोट्स पढ़ने हैं तो प्लीज आप लोग वहाँ से एक बार देख के जाना बिहेवियर क्या होता है बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल आवर आउटवर्ड एंड overt action and reactions such as talking facial expression and movement behavior includes all our daily activities and the way we do it behavior includes all internal covert activities of our mind such as thinking feeling remembering behavior includes all our inward and outward actions and reactions the correct answer is a दैट इज बिहेवियर इंक्लूड ऑल आवर आउटवर्ड ओवर डैक्शंस एंड रियक्शन टॉकिंग फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट सब कुछ हमारे बिहेवियर का पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इन्वाइटेड दटेंशन ऑफ पीपल टू द थ्रेट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड द इनवायरमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें से एक बुक तो ऐसी है जो सोशोलॉजी में भी रिपीट हुई है ओके कौन सी है वो बुक इन्वायरमेंट रिलेटेड ही बुक्स है तो वो आपको पढ़ के जानी है दी करेक्ट आंसर हेयर इज़ साइलेंट स्प्रिंग जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं सोशलॉजी से उनके लिए तो ये बुक एक बाइबल की तरह है इस बुक से बहुत बाहर क्वेश्चन आए हैं बट ये जो बुक है ना द लिमिट टू ग्रोथ दिस बुक हैज़ ऑलरेडी बीन आस्ड इन योर सोशलॉजी पेपर सोशलॉजी के किसी 2022 में या 2023 में आई थिंक 2023 में शायद इस पे क्वेश्चन आ चुका है सो so, देखो इसीलिए सारे पी वाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनाता है एनटीएन वो इधर उधर के अपने पेपर से ही रिपीट करता रहता है ठीक है टॉपिक रिपीट करता है क्वेश्चन भले ना रिपीट करे ओके क्वेश्चन थ्री दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्वेश्चन नंबर एटीन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेजेज द डैश ऑफ फॉरन एक्सचेंज वेरी इजी इकोनॉमिक क्वेश्चन सप्लाई डिमांड बोथ सप्लाई एंड डिमांड नीदर सप्लाई नॉट डिमांड सो जो मुझे समझ में आ रहा है गाइज आपको सोशल साइंस अच्छे से पढ़ना है टिल क्लास ट्वेल्थ जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मैंशन है इन्वायरमेंट है इकोनमी है है ना वो सारी चीज़ें आपको बेसिक्स पढ़नी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा इजी क्वेश्चन हैं तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रख के चलना है ठीक है दी करेक्ट आंसर इज बी दैट इज डिमांड क्वेश्चन नंबर नाइनटीन Which article of constitution recommended for the constitution of finance commission of india Article 260 282 280 281 The correct answer is C that is article 280 Question number 20 डब्ल्यू टी ओ इज कंसर्न विद बोरोडिंग एट द इंटरनेशनल लेवल मैनेजमेंट ऑफ द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस द वोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट द इंटरनेशनल द पॉलिसी इज परिंग टू क्लाइमेट चेंज एट इंटरनेशनल लेवल डब्ल्यू टी ओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका परफॉर्म भी मैंने बता दिया तो ये किसके बारे में है द करेक्ट आंसर इज वेरी इजी बी दैट इज मैनेजमेंट ऑफ रूल्स ऑफ ट्रेड ट्रेड ही है यहाँ पर कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन लिस्ट फोर विलेज लेवल हेल्थ वर्कर्स आशा एफ एच डब्ल्यू एम एच डब्ल्यू डी ए आई ए डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एच डब्ल्यू डी ए आई वी एच जी अब इन सब के आपको फुल फॉर्म्स देखने हैं ठीक है ये आपका होमवर्क है आफ्टर द वीडियो यू हैव टू सर्च ऑल द फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स ओके करेक्ट आंसर हेयर इज थ्री दैट इज ए डब्ल्यू डब्ल्यू आशा डी एच डी तो एक बार इनके फुल फॉर्म जरूर देख लेना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फैमिली इज वॉट वेरी इजी क्वेश्चन रेफरेंस ग्रुप प्राइमरी ग्रुप 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 सेकेंडरी रिक्रिएशनल फैमिली को हम क्या कहते हैं द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज प्राइमरी ग्रुप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज वॉट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना जितनी कैपेसिटी ही नहीं है एरिया नहीं है जितना उससे ज़्यादा पॉपुलेशन का होना तो क्या हो क्यों होता है ये गुड हेल्थ की वजह से हाइयर परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन की वजह से सोशल सिक्योरिटी की वजह से या फिर पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेन कॉज क्या है रीज़न क्या है द करेक्ट आंसर इज़ डी दैट इज़ पॉवर्टी ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ कल्चर कॉन्टैक्ट ट्रेड माइग्रेशन एथनोसेंट्रिज्म या फिर टूरिज्म द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज एथनोसेंट्रिज्म एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जहां पर आप अपने कल्चर को दूसरे के कल्चर से सुपीरियर समझते हो ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वन ऑफ द कीज़ टू डी इंडिविजुएशन इज ग्रुप पोलराइजेशन अनोनिमिटी ग्रुप प्रोटेक्शन कन्फर्मिटी द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज अनोनिमिटी डी इंडिविजुएशन का मतलब क्या होता है जब आप एक ग्रुप का पार्ट होते हैं और आप धीमे धीमे करके अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको खो देते हैं उसे हम कहते हैं डी ठीक है ये एक साइकोलॉजी का है सो so, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी आएगा प्लास्टिक सर्जरी कार्डियक सर्जरी कैंसर मैनेजमेंट ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर इज़ डी दैट इज ऑल ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज़ व्हिच शुड बी अवेलेबल अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड इंक्रीज कॉम्पिटिशन डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज एक्सपायरी डेट अप टू विच डेट कैन बी यूज Availability of goods in store. ABC A B C A C D D B C, or B. The correct answer is B. That is A, C, and D. Direction of proper use is not a part of R T I. Question number twenty-eight. Gender is what? Biological construct, economic construct, social construct, or psychological construct? A very easy question, and I hope that all my sociology students know this.

फिर सेकेंड पे आएगा कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन दैट इज यूजेबल देन रिहर्स द इंफॉर्मेशन उसके बाद कीप द इन्फॉर्मेशन इन स्टोरेज एंड लास्ट में रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है सो so ये आपको याद रखना है थोड़ा सा इसके बारे में रीड भी कर लेना क्वेश्चन नंबर थर्टी social legislation attempts to what provide justice as well as security anticipate social needs provide for change in the social order all of the above the correct answer is a that is provide social justice as well as security question number 31 the 6th schedule of constitution of india applies to the northeastern state of 6th schedule jo hai constitution ka वो किस पे अप्लाई होता है नॉर्थ ईस्टर्न के कौन से स्टेट्स हैं मणिपुर मिजोराम ना, नागालैंड असम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम असम नागालैंड मणिपुर या फिर त्रिपुरा नागालैंड असम मिजोराम या फिर मेघालय द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोराम तो सारे ही जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट वाले वो आपको पढ़ के जाने हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द हाइब्रिड एंड कॉस्मोपोलिटन नेचर ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी लाइफ इज नोन एज वॉट सो दिस क्वेश्चन हैज़ अ प्रॉब्लम ये क्वेश्चन गलत है मैंने बहुत सर्च किया मुझे ऐसा कोई टर्म नहीं मिला और ये जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं वो भी गलत हैं सो so ये पूरा क्वेश्चन ही गलत था इसीलिए इस क्वेश्चन को सी यू टी ने ड्रॉप कर दिया था जिसने भी जो भी इसका ऑप्शन दिया हो सबको ही मार्क्स मिल गए थे ठीक है सो इस क्वेश्चन को हम भी ड्रॉप कर देंगे और छोड़ देंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री

people from the northeast living in different parts of india Base baruha committee the correct answer is d that is people from northeast living in different parts of india question number 35 within the universal declaration of human rights there are different areas of right. which areas of rights are called as positive freedom social economic and cultural rights political and civil rights individual and community rights cultural and collective rights so आज से क्या होगा इसका कौन से राइट्स को इन्होंने पॉजिटिव फ्रीडम बोला था द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स जो है वो आपके पॉजिटिव फ्रीडम में आएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द साइकिल विच नॉट ओनली रिड्यूज द सप्लाई ऑफ वाटर बट ऑल्सो क्लीन इट इज कॉल्ड एज वॉट सीजनल साइकिल बाय साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर नाइट्रोजन साइकिल

मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया सो इसमें से आपको जो मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट है उनको आपको सेलेक्ट करना है एपिको मूवमेंट पीजन मूवमेंट बिश्नोई मूवमेंट वर्कर्स मूवमेंट चिपको मूवमेंट द करेक्ट आंसर इज बी ए सी एंड ई एपिको मूवमेंट बिश्नोई मूवमेंट एंड चिपको मूवमेंट नाउ वॉट यू हैव टू डू इज आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आप लोग गूगल पे जाइएगा इन तीनों के बारे में थोड़ा सा सर्च करिएगा और एक जिस्ट मुझे समरी के फॉर्म में कॉमेंट में दीजिएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वॉट इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम पंचायती राज सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए जिला परिषद पंचायत ऑफ समिति ग्राम पंचायत ग्राम सभा देक्ट आंसर इज डी That is Gram Sabha. Question number 40. In participatory development, people's participation is an end, not just a means to development, only a means to development, neither an end nor a means of development, only a means, not an end of development. What would be the correct answer? The correct answer is D. It is only a means and not an end to development. Question number 41. child labor prohibition regulation act of 1986 में अ चाइल्ड मींस अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14 इयर्स ऑफ एज 16 इयर्स ऑफ एज 18 या फिर 21st ईयर ऑफ एज द करेक्ट आंसर इज ए चाइल्ड वो होगा जो 14 इयर्स ऑफ एज से कम होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 42 द इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रक्टिव मॉडल इज लिंक्ड विद व्हाट

एंड आज़ाद हिंद फौज जो है वो थी सुभाष चंद्र बोस एंड भक्ति मूवमेंट को हम माफ करेंगे गुरु नानक साहिब के साथ ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन वॉज लेड बाय अन्ना हजारे अरुणा रॉय अरुणा नायडू राजेंद्र यादव राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन किसका था दी करेक्ट आंसर इज अरुणा रॉय अरुणा रॉय आपके सिलेबस में है अन्ना हजारे भी आपके सिलेबस में है तो इन दोनों ही लोगों को आपको स्टडी करना है आपके एग्जाम के लिए ठीक है और स्टडी करने के लिए क्या करना है जस्ट विकीपीडिया का पूरा पेज पढ़ लो दैट इज मोर देन इनफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस रिफर्स टू वॉट अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं गवर्नेंस में तो वो क्या होगा आपके हिसाब से द एबिलिटी ऑफ सिटीजन टू होल्ड लीडर्स गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंट The ability of citizen to open account in banks, the national income account that show profit and loss of government, the behavior of chartered accountants in the corporate world. The correct answer is A. That is the ability of citizen to hold leaders, government, and public organization to account. Okay? Question number forty six. What is the theme of Prime Minister's high level committee, popularly known as Sachar Committee? Social, economic, and educational status of Muslim community in India, imbalance in development of different regions in the country, impact of double taxation on domestic economy, social, economic, and educational status of scheduled caste in India. The correct answer is A, that is, social, economic, and educational status of Muslim community in India. Question number 47 Marble cancer in Taj Mahal is mainly caused. बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू वॉट बायोगैस हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स वॉट फिजिकल सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स सोशल एस्पेक्ट्स ओनली फिजिकल एस्पेक्ट होंगी या फिर फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट होंगी हेल्थ के बारे में क्या आएगा द करेक्ट आंसर इज ए

करेक्ट आंसर इज ए क्लैन कंसिस्ट ऑफ लीनियज ऑफ बोथ फादर एंड मदर तो ये गलत है ये नहीं होगा बाकी सारी जो है वो तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देश इज कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ सेल्फ डेवलपिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ स्टीम सेल्फ ऑनेस्टी क्या होता है जो जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं और अपने लिए रिस्पेक्ट जो होती है खुद के लिए रिस्पेक्ट वो होती है सेल्फ स्टीम कहते हैं ना किसी की सेल्फ स्टीम लो है मतलब उनका कॉन्फिडेंस लो है राइट सो द करेक्ट आंसर इज सेल्फ स्टीम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन हैव अ रिप्रेजेंटेशन इन जिला परिषद जिला परिषद में रिप्रेजेंटेशन किसका होता है यूथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिप्रेजेंटेटिवरेट सोसाइटीज ऑल ऑफव द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स

as a homework you यू हैव search सर्च फॉर is इज इक्विटी इक्विटी और इक्वालिटी इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है साथ में ठीक है और हो सके तो मुझे कमेंट में भी बताना अगर आपको पहले से पता हो कि इक्विटी क्या होता है और उसके बेसिस पे फिर इक्वालिटी क्या होता है ठीक है दोनों ही मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडियाज मेजर रिवर्स इसमें से क्या हो सकता है अनरेग्युलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिलीजियस प्रैक्टिस एग्रीकल्चरल रनऑफ अनट्रीटेड सीवेज जो रिवर में वॉटर पोल्यूशन होता है उसका प्राइमरी सोर्स क्या होगा द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स डी अनट्रीटेड सीविच क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू इनकरेज डाइवर्जेंट क्रिएटिव थिंकिंग

विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कल्चर आर करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कल्चर के बारे में करेक्ट है कल्चर परसिस्ट थ्रू ट्रेडिशन एवरी एनिमल इंक्लूडिंग मैन इज कॉल्ड द कल्चर बियरिंग एनिमल कल्चर इज द टोटल सोशल हेरिटेज कल्चर इज एन इन बॉन्ड क्वालिटी ऑफ अ मैन कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ लर्नड बिहेवियर द करेक्ट आंसर इज डी ए सी ई जो है वो सही है एवरी एनिमल इंक्लूडिंग मैन इज कॉल्ड कल्चर बेरिंग एनिमल नो सारे एनिमल्स तो नहीं होते हैं कल्चर के पार्ट है ना कल्चर इज एन इनबॉर्न क्वालिटी नो कल्चर जो है हम सोसाइटी में जैसे जैसे हम सोशलाइज होते हैं वैसे वैसे हम कल्चर को सीखते हैं राइट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स डैश थ्योरी प्रोपाउंड दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इंफ्लुएंसेज दिहेवियर कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है कि जो चाइल्डहुड में हमारे एक्सपीरियंस होते हैं बचपन के एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे एडल्ट बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसी कौन सी थ्योरी है बाकी के जो भी थ्योरी हैं वो भी आपको सर्च करके पढ़ना है क्योंकि आई नो साइकोलॉजी के क्वेश्चन टफ होते हैं इसीलिए जितना भी टॉपिक uh, पता चल रहा है क्वेश्चन के थ्रू प्लीज़ उसे सर्च करके पढ़ लेना अभी भी टाइम है चार दिन बचे हैं अच्छे से एक बार रीड तो कर ही सकते हो द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज़ साइको एनालिटिकल थ्योरी ठीक है क्वेश्चन नंबर सेट इज प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी क्वेश्चन इकॉनमी में प्रोडक्शन क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल फॉर कंजम्शन एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स द करेक्ट आंसर इज सी प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज इज योर प्रोडक्शन इन एन इकॉनमी क्वेश्चन नंबर एट जॉब सिक्योरिटी वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स जॉब सिक्योरिटी यानी जॉब का होना जो है वो किसमें आएगा सोशल ईगो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर सेफ्टी कौन सी नीड है जिसमें वो आएगा द करेक्ट आंसर इज सेफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन बताना है कि सोशल जस्टिस डे कब मनाते हैं हम लोग एटीन अप्रैल फर्स्ट दिसंबर सेवेंटींथ जुलाई ट्वेंटी तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट डेज वाली वो आपको पढ़नी है द करेक्ट आंसर इज डी दैट इज ट्वेंटी फेबरी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इंटलेक्चुअल डिसबिलिटी एंड ब्लाइंडनेस आर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ बॉट कोकेन कैफीन एल्कोहल मर्क्री The is is D, that is mercury. Question number 61, Emotions can be defined as the feeling aspect of consciousness, characterized by three elements. So इमोशन क्या होता है फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें तीन एलिमेंट भी होते हैं साइकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है ये अच्छा कौन से तीन एलिमेंट होते हैं देखो अ फिजिकल एरोजल अ मोटिवेशन टू वर्क अ फीलिंग ऑफ गुड एंड बैड a feeling about outside world, a consciousness of things, a moral judgment, a social perception, a learning opportunity, an understanding about others, a physical arousal, a certain behavior that reveals the feeling to the outside world, an inner awareness of the feeling. what would be the correct answer? the correct answer is d. a physical arousal, a certain behavior that reveals the feeling to the outside world, an inner awareness of the feeling. क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द प्रोहिबिशन ऑफ प्रोबिशन टू थाउजेंड एन टू थाउजेंड इलेवन टू थाउजेंड सिक्स प्रोहिबिशन टू थाउजेंड सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री द ब्लू प्रिंट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्स प्रिपेयर वॉट ब्लू प्रिंट जो था वो किसमें था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड सबमिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो सबमिट नायरू बी कॉन्फ्रेंस याद रखना ये क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज थ्री दैट इज रियो सबमिट ऑफ 1992 ओके क्वेश्चन नंबर 64 जो है इसको ड्रॉप किया था सी ने ठीक है इसमें कुछ प्रॉब्लम था तो ये क्वेश्चन ही गलत है ओके okay? सो so, इसे हम लोग भी छोड़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी काका कलेलकर इज एसोसिएटेड विद व्हाट शेड्यूल कास्ट कमीशन शेड्यूल ट्राइब कमीशन बैकवर्ड क्लासेस वूमेन कमीशन काका कलेलकर की जो कमिटी है वो किस बारे में है द करेक्ट आंसर इज सी प्लीज रिमेम्बर बैकवर्ड क्लासेस क्वेश्चन फॉलोइंग इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया सन टेम्पल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्यूलार्डियो देन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी Okay, ये शायद केवला देव है, केवला देव, okay. I don't know if इसने हिंदी में सही करा है कि नहीं बट आई थिंक सही होगा so, correct answer जो है वो D है, वो क्वेश्चन नंबर सेवन द एक्सटेंट टू विच अ कम्युनिटी स्ट्रक्चर सर्विस और जियोग्राफिकल एरिया इज लाइकली टू बी डैमेज बाय द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर हजारिटी कैपेसिटी डिजास्टर the correct answer is b that is vulnerability okay question number 68 lok adalat refers to what very basic questions alternative dispute redressal mechanism people's court decreasing the case load of courts for speedy justice all of the above the correct answer is 4 that is all of the above question number 69 under the scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act 1989 प्रोविजन है स्पेशल कोर्ट का ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज फोर्टीन तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी

the correct answer is d that is surface water please remember question number 72 which of the following air pollution control device has the maximum efficiency electrostatic uh, precipitator dynamic precipitator spray tower wet cyclonic scrubber the correct answer is a that is electronic sorry electrostatic precipitator question number 73 which of the following section of Indian Penal Code deals with cruelty to woman by husband or relative of a husband? Section 198A, 298A, 398A, fir 498A. The correct answer is D, that is section 498A. Okay. Question number 74. Which of the following item is not an example of social change?

The correct answer is A that is RBI. So that's all we have done. 75 questions of फाइव pg social work यू ई uh, 2022 ka paper hum वर्क ne solve kar liya ट्वेंटी का पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कॉमेंट में मुझे बताना क्योंकि अगर आप लोग कॉमेंट में मुझे नहीं कोई फीडबैक दोगे रिस्पॉन्स दोगे सो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा काम करने का सी आप लोगों का जो रिस्पांस होता है गाइस वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है टू वर्क ऑन दिस चैनल अदरवाइज देर इज नो अदर मोटिव राइट यू गाइस आर द वन हु द पावर टू मोटिवेट मी तुम लोगों के पास ही पावर है कि मुझे मोटिवेट कर सको ताकि मैं uh, जो भी टाइम मेरा बचता है उसमें मैं निकाल के वीडियो बना सकूँ राइट तो प्लीज मुझे कॉमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर देना सो दैट्स इट फॉर टू डे गाइज एंड सोशल वर्क के लिए मैं कुछ चीजें हैं जो प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर बट इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस इज द प्लेलिस्ट सेक्शन प्लेलिस्ट

तो so, उसके लिए भी आप लोग प्लीज़ मुझे इस पर uh, ज्वाइन कर लेना बिल्कुल अच्छे से मैं बोल रही हूँ बार बार क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल ज्वाइन तक नहीं कर रखा है और मुझे सीधे पर्सनल uh, में मैसेज कर देते हैं सो दैट इज़ नॉट द केस यू हैव टू ज्वाइन दिस चैनल एट एनी कॉस्ट इफ़ यू आर माई स्टूडेंट ओके सो थैंक यू वेरी मच गाइज कीप लर्निंग